तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई आप लोगों के सामने खड़ी है ऑल न्यू क्रेटा 2024 फेसलिफ्ट। तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई। भाई मेरा रिव्यू तो ये है कि थोड़ा बहुत तो ठीक है भाई, पिछले वाले से ज़्यादा बोल्ड मेरे को ये लगती है। ऑल दो इसके जो DRL जल रहे हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, और साथ ही एडास फीचर देखने के लिए मिलेगा और भाई 360 डिग्री कैमरा देखने के लिए मिलेगा। ये फ्रंट कैमरे से ना ये पता चल जाता है कि हाँ 360 डिग्री कैमरा है, और साथ में पार्किंग सेंसर फ्रंट में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो भाई वो रिव्यू कैसा रहने वाला, मतलब फीडबैक कैसा रहेगा पार्किंग सेंसर का, वो तो अंदर से ही बैठ के बताएंगे। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर भाई डीजल इंजन दोनों ही देखने के लिए मिल जाते हैं। कीलेस एंट्री आपको देखने के लिए मिल जाती है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने के लिए मिल जाता है, भाई लॉक अनलॉक और होल्ड करके आप अपना बूट खोल सकते हो। भाई ये वाला फीचर सारे इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ग्रिल जो है इसकी कुछ कुछ भाई अपनी वेन्यू जैसे इंस्पायर्ड लगती है मेरे को, क्योंकि जो नई वाली वेन्यू आई ना उसी से मिलती जुलती इन्होंने ग्रिल दे दी है जो कि काफ़ी सही है। ऑल तो DRL इसमें कनेक्टेड देखने के लिए मिल जाते हैं दोनों ही DRL, और 4 भाई इसमें LED स्पोक्स मिल जाएंगे आपको, मतलब 4 LED देखने के लिए मिलेंगी। ऑन हाई बीम आपकी भाई 4 जलेंगी और लो बीम पे भाई 2 जलेंगी। अब वो ऊपर की जले या नीचे की जले वो मैं आपको अभी जला के दिखा दूंगा, ठीक है। काफ़ी मस्त लुक आता है भाई जलने के बाद, काफ़ी ना डैशिंग सी लगती है, देख रहे हो कितनी बेहतरीन लग रही है। मतलब ये जो लुक दिया है ना उन्होंने, बोल्ड लुक जो दिया है ग्रिल का, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कर दिया। और ये जो इंडिकेटर की प्लेसमेंट है भाई 3 spoke वाले इंडिकेटर्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑल दो भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद आई मेरे को पर्सनली तौर पर, और 4 LED भाई इसका लाइट का थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा भाई रात में। ऑल दो भाई फ्रंट लुक के साथ कनेक्टेड अपना साइड लुक भी रहता है, तो साइड लुक की बात करते हैं तो गेट तो आपको लगभग सेम मिलेंगे, लेकिन जो इसका एलॉय व्हील है ना भाई इसका डिजाइन चेंज कर दिया गया है। ऑल दो 17 inch का इसमें आपको टायर देखने के लिए मिलेगा, और सबसे मेन चीज़ क्या है भाई इसके चारों जो टायर है ना उनमें आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे ना, तो ब्रेकिंग मतलब भाई 5 star रहने वाली है। मतलब बॉडी क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए, ब्रेकिंग की बात कर रहा हूँ, ब्रेकिंग 5 star रहने वाली है। ऑल दो ORVM आपको भाई देखो मस्त से देखने के लिए मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल दोनों ही देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये जो प्लेसमेंट है ना भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहे हैं, और भाई 360 डिग्री कैमरा होने के लिए आपको लेन चेंजिंग कैमरा भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और ब्लाइंड स्पॉट कैमरा कह दो या लेन चेंजिंग कैमरा एक ही बात होती है, कैसे तो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक देखने के लिए मिलता है साइड से, मेरे को बढ़िया लगा। एलॉय व्हील का जो लुक है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और भाई अपना रियर में तो इसमें डिस्क ब्रेक दे दी गए हैं, आगे और पीछे दोनों आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, ऑल 4 डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे। तो ब्रेकिंग भाई एक नंबर की होगी, एक नंबर भगाना और एक नंबर ब्रेक मारना, मतलब बढ़िया रहेगी भाई रिस्पांस। वो तो रिव्यू बताऊंगा मैं आपको ड्राइविंग टाइम पे। A और B pillar जो है भाई इसके बॉडी कलर में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ब्लैक कलर में, ग्लोसी ब्लैक कलर के अंदर। और मिड पिलर जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो मैट ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलेगा। ऑल दी वाला जो डिजाइन देख रहे हो पीछे की साइड भाई ये अपना पहले क्रेटा में भी आता था, तो इसमें भी यहाँ पर ये सदाबहार चल रहा है। और साथ में जो मेन प्रोफाइल है ना इसकी रियर प्रोफाइल वो काफ़ी ज़्यादा मस्त देखने के लिए मिलती है। तो भाई बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल में भाई इसमें कनेक्टेड टेल लैंप देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑल दो ये जो ब्लिंक करते हुए आप देख रहे हो ऐसा ब्लिंक हो नहीं रहे हैं, ये कैमरे की रिकॉर्डिंग में आपको ब्लिंक होते हुए दिख रहे हैं लेकिन होते नहीं है। ये जो हिंडे का लोगो आप बीच में देख रहे हो ना भाई ये भी अब इस लाइट के अंदर ही है, बाहर की साइड नहीं है, लाइट के अंदर इन्होंने लगा रखा। मेन चीज़ क्या है उसके बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, बूट स्पेस में हम बात करें तो कुछ कुछ अपना पुराने वाली क्रेटा से मिलता जुलता है, और भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और जो टेल गेट है ना वो काफ़ी वाइड ओपनिंग इसमें देखने के लिए मिल जाती है, तो इजीली आप खड़े होकर कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं इसके अंदर। और साथ में बोस का प्रीमियम सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, पार्शल ट्रे काफ़ी हैवी है तो भाई आप सामान वगैरह लोड कर सकते हैं आराम से। और भाई अपनी जो सीट है ना पीछे वाली वो भाई स्प्लिट वाली देखने के लिए मिल जाती है आपको। बोस का प्रीमियम म्यूजिक सेटअप देखने के लिए मिलेगा भाई इसके अंदर, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखो यहाँ पे आपका सब वूफर लगा हुआ है बोस का, तो आपकी जो साउंड की क्वालिटी है ना वो भाई A1 देखने के लिए मिलेगी। ऑल दो 45 तक की इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो भाई इतनी तेज है ना वो बढ़िया है। और यहाँ पर रियर स्पेयर व्हील देखने के लिए मिल जाएगा, तो जो कि 16 inch का देखने के लिए मिलेगा, सही है भाई सेटअप। यहाँ से अपनी गाड़ी का टेल गेट जो है वो बंद कर देते हैं, अब चलते हैं अंदर से रियर प्रोफाइल की बात करेंगे। ऑल दो इसका जो टेल गेट है ना वो काफ़ी भारी सा है, तो मतलब ईजिली तो बंद हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, ठीक है। रियर वाइपर और डिफोकर दोनों ही आपको पीछे देखने के लिए मिल जाएंगे। को पैसेंजर साइड की लुक की बात करोगे तो ऐसा कुछ आपको को पैसेंजर साइड का लुक देखने के लिए मिलेगा। ऑल दो गेट्स की बात करते हैं ना भाई तो कुछ कुछ पुराने वाली क्रेटा से ही देखने के लिए मिलेंगे सिमिलर टाइप में, लेकिन जो इसका एलॉय व्हील है भाई वो इस बार चेंज कर दिया गया है, तो वो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। ऑल दो जो भाई इसका मेन चेंज है वो भाई वो फ्रंट में है और बैक में है और मेन इंटीरियर में है। तो भाई अब बात करते हैं इसके रियर गेट्स की, और मतलब रियर कंफर्ट की बात करते हैं, रियर सीट कंफर्ट की। तो यहाँ पे आपको ड्यूल टोन का इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि भाई पुरानी वाली क्रेटा में देखने के लिए भी मिलता था। यहाँ पे साइड कंटेन देखने के लिए मिल जाते हैं, ऑल दो कंपनी प्रोवाइड है, मतलब कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो इस पर चलान नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी पुलिस वाले तेज चल जाते हैं भाई और चलान इस पर काट देते हैं, लेकिन भाई कंपनी ही दे रही है तो चलान कटना नहीं चाहिए। यहाँ पे भाई आपको सॉफ्ट टच का फील देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख सकते हो विद स्टिचिंग देखने के लिए मिलेगा व्हाइट कलर की। अब भाई इसमें एक नेगेटिव है कि ये गंदा बहुत जल्दी हो जाएगा, तो आपको आराम आराम से साफ करना पड़ेगा, हर हफ्ते में एक बार तो कपड़ा मार ही देना भाई। ये देखो स्टिचिंग देखने के लिए मिलती है ना। बॉस का म्यूजिक सेटअप है, तो यहाँ पे बॉस की बैजिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, 1 बोतल होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा, कप नहीं रख सकते, कप का भाई इसमें निशान काट रखा है, तो कप आप इसमें ना ही रखो तो ही बढ़िया है। इस कप प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी, तो यहाँ से जो पेंट वगैरह है ना वो नहीं छूटेगा इसके अंदर। ऑल द भाई
यहाँ पर देखोगे तो आपको हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन दो ही देखने के लिए मिलेंगे। आर्मरेस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देती है कंपनी, आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब सिटिंग कंफर्ट वाइज बैठ के देखते हैं कि कैसा देखने के लिए मिलेगा। तो अगर मैं इसमें बैठूं तो भाई काफ़ी अच्छा खासा आपको कंफर्ट देखने के लिए मिल जाता है। ऑल द भाई लेग रूम भी काफ़ी अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है। थाई सपोर्ट भी बिल्कुल प्रॉपर दे रखी है, ठीक है, बिल्कुल पीछे होकर बैठा हुआ, मतलब प्रॉपर देखने के लिए मिल जाता है थाई सपोर्ट। इससे पीछे जाके क्या ही बैठोगे भाई। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है रीडिंग लैंप, जो यहाँ से ही है, बढ़िया देखने के लिए मिलता है। ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर सनरूफ देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि काफ़ी सही है, पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए मिल भाई। अगर मेजर करोगे ना इससे, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ इस हिसाब से तो कम है, लेकिन अगर सनरूफ के हिसाब से देखोगे तो ठीक देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो इसके हिसाब से थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा। ऑल दो भाई यहाँ पर आप देखो तीन जने काफ़ी आसानी से बैठ जाएंगे। पहले भी मैंने बैठ के देख लिया था जिस दिन लॉन्च हुई था, तीन जने काफ़ी आराम से बैठ जाएंगे। और एयर केबिन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अगर रियर में फीचर्स की बात करोगे तो सी टाइप के दो चार्जिंग सॉकेट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। पहले भाई एक ही मिलता था, अब इन्होंने पैसेंजर्स के लिए और ध्यान दिया है तो दो दे दिए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपने एसी वेंट देखने के लिए मिल जाएंगे, और साथ में आर्मरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल दो जो फ्रंट लुक का इंटीरियर है वो मैं आपको आगे से ही दिखाऊंगा, मतलब डैशबोर्ड का जो लुक है ना वो आगे से ही दिखाऊंगा। तो चलते हैं सीधा आगे। तो भाई अब चलते हैं मेनली फ्रंट लुक में क्या क्या फीचर है भाई। रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और गेट खोलते ही भाई अपने चारों पावर विंडो के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक देखने के लिए मिल जाएगा, अपना और भी हम फोल्ड और अनफोल्ड हो जाएंगे, काफ़ी ईजिली हो जाते हैं और काफ़ी फास्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अपना लॉक अनलॉक तो भाई मैंने आपको बता ही दिया है। 1 लीटर का बोटल होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा भाई, इसमें कपड़ा वगैरह रख सकते हो अपना, और गिलास तो नहीं रख सकते, गिलास का निशान काट रखा है। अब भाई मेन चीज़ क्या है, इसका सिटिंग कंट्रोल मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। देखो इससे अगर मैं इसे नीचे करूँगा ना, इसे नीचे की साइड पुश करूँगा, तो ये वाला जो है ना ये चीज़ नीचे होगी देखो इसकी, और ये काफ़ी ज़्यादा सिस्टम बढ़िया लगा मेरे को भाई पर्सनली तौर पे। मैंने मेनली कमी गाड़ियों में देखा है, लेकिन इसमें ना ये वाली चीज़ जो है ना ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और ये देखो अभी इतना हो गया, अब ये उठेगी सीट पीछे से, ये देखो, और इसे नीचे करूँगा तो ये वाला उठेगा और फिर वहाँ से सीट नीचे होगी। तो ये पर्सनली तौर पर मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। ऑल दो एयर बैग आपको सीट में भी देखने के लिए मिल जाएंगे इसके अंदर, तो आपको कवर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका एयर बैग जो है ना वो खुल नहीं पाएगा। तो ऐसे ही रखना अपनी गाड़ी को भाई नॉर्मली, लेकिन ये वाला जो कलर है ना थोड़ा सा गंदा होने वाला चीज़ ज़्यादा है, ये गंदा जल्दी हो जाएगा, तो आपको ना ड्राई क्लीनिंग जल्दी करवानी पड़ेगी, वो चीज़ है इसके अंदर। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और अंदर से फीचर्स की बात करते हैं भाई, क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे भाई। सबसे पहले अपना शीशा बंद करते हैं, तो भाई वन टच अप हो जाएगा और वन टच डाउन तो है ही, ठीक है। अगर मैं भाई अपनी सीट नीचे करूँ ना, मतलब प्रॉपर नीचे करने के लिए, ये देखो अब मैं पूरी नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो है ना थाई, देखो मेरी थाई उठी हुई है इससे, जिससे आगे लॉन्ग रूट के लिए मैं इजीली गाड़ी चला पाऊँ, ठीक है। अब मेरी मतलब ऐसी जैसे सीट यूँ होती है, ठीक है, मेरी सीट ऐसे है, मतलब झुकी हुई सी, मतलब पीछे से तो मैं झुका हुआ हूँ, ठीक है, पूरा, और आगे से मेरी थाई जो है उन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा है इन्होंने भाई। अब मैं इसे जैसे उठाऊंगा सीट को, तो अब मेरी पहले ये वाली सीट सीधी होगी, ये वाली सीट सीधी हो गई, अब यहाँ से मेरी सीट सीधी हो गई, अब मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए। और अगर मैं इसे नीचे करूँगा तो ये वाली चीज़ जो है ना मेरी थाई, ये थाई उठ गई भाई यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, ये देख रहे हो। अब मैं इसे सीट को वैसे ठीक कर देता हूँ जैसे है, ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने कर दिया था पीछे, ठीक है। अब ये सीट नॉर्मल हो गई, इतनी है, ठीक है, ये पोजिशन है इसकी मेनली। अगर इससे ऊपर उठाऊँगा ना मैं, अब सीट उठेगी, ये देखो ये सीट उठ रही है मेरी अब। और भाई सीट जैसे उठ गई, सबसे मेन चीज़ देखो, सीट तो उठ गई, लेकिन अगर मैं इसे ऊपर करूँगा तो मेरी थाई उठेगी, ये देखो अगर मैं केवल ऊपर उठाऊँगा ना तो ये थाई उठ जाएगी, और इसे नीचे करूँगा ना तो केवल थाई नीचे होगी, ये सीन है भाई इसके अंदर। तो मेरे को तो काफ़ी पर्सनली तौर पर काफ़ी बढ़िया लगा भाई ये वाला फीचर इसका, ठीक है। आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा, ठीक है। ऑल दो इसकी सीट थोड़ी सी नीचे करते हैं हम, और ये भाई ऐसा कुछ सेटअप देखने के लिए मिलेगा इसमें। आप देखो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, ठीक, उसी के साथ आपको पूरी डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, ये बिल्कुल फ्लैट भाई, जो कि काफ़ी सही है। इसे एसी को करते हैं बंद, या फिर गाड़ी कर लेते हैं ऑन, और ठीक है भाई। अब देखो भाई यहाँ पर अब स्टीयरिंग है, इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक देखने के लिए मिल जाता है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में भाई अपना एक मस्त फीचर और देखने के लिए मिलता है इसमें, क्या मस्त फीचर देखने के लिए मिलता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प तो है ही है, देखो ये तो मस्त है, लेकिन अगर मैं इसे लेफ्ट करूँगा तो अपना लेफ्ट साइड का जो ब्लाइंड स्पॉट वाला मिरर है वो ऑन हो जाएगा, और अगर मैं इसे राइट करूँगा तो राइट साइड का जो ब्लाइंड स्पॉट वाला मिरर है ना वो ऑन हो जाएगा। और भाई इसके साथ साथ आपको आरपीएम भी यहीं दिखाएगा, ऐसा नहीं है कि आरपीएम हट जाएगा, आरपीएम भी यहाँ दिखाएगा,
और अगर मैं इसे लेफ्ट करूंगा तो स्पीड भी आपके साथ के साथ यहाँ आ जाएगी, डिजिटली हो जाएगी एनालॉग हटके। ये काफ़ी बढ़िया सिस्टम लगा मेरे को भाई, और ट्राई पेरेंशियल मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाता है। साथ में भाई फ्रंट के पार्किंग सेंसर, जैसे कि मैंने आपको कहा ना, जैसे भैया गया निकल गया अभी, तो वो भी इसमें आपको प्रॉपरली दिखा दिया। साथ में भाई अपना एडास देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पर अपने एडास के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब इसे दबाऊंगा तो मेरा एडास जो है वो ऑन हो जाएगा। देखो यहाँ पे गाइडेंस आ गई ना, इसे मैंने बटन दबाया और ये हट गया, और दबाया तो चालू हो गया। तो ये ऐसा कुछ सिस्टम इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अपना क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएगा, उसी के साथ अगर स्टीयरिंग होल्ड सब पर कर दो भाई, जिससे आपको पूरी डिस्प्ले दिख सके। और भाई इसे बटन को दबाओगे तो यहाँ से इसमें इन्फॉर्मेशन वगैरह चेंज हो जाएंगी। ये अब जैसे गाड़ी बनी आती है एडास में, जैसे अपने उसमें बनाया था एस्टर में, उसी तरीके से यहाँ बना हुआ जाएगा। ओके प्रेस करेंगे होल्ड करके, तो इसमें सेटिंग्स वगैरह खुल जाएंगी। यहाँ पर भाई अपनी पूरी की पूरी सेटिंग्स आ गई अपने एडास से रिलेटेड, ड्राइविंग असिस्टेंट, क्लस्टर, क्लाइमेट, लाइट्स, ठीक है, कि वेलकम लाइट का फीचर चाहिए नहीं चाहिए, हाई बीम असिस्टेंट, रेड्यूसिंग हाई बीम ग्लेयर टू इनकम, मतलब अगर कोई भी गाड़ी आएगी तो हाई बीम जो है ना वो ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगी भाई। ये वाला फीचर काफ़ी सही है, ठीक है, डोर की लाइट, मतलब ये सारे फीचर एडास का इसमें टोटली आ गया। ड्राइविंग सेफ्टी और ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम, पार्किंग सेफ्टी, भाई ये पूरा सिस्टम इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पार्किंग में क्या क्या सेफ्टी रखनी है और कितनी वॉल्यूम रखनी है, वो सारी चीज़ें भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो काफ़ी सही सिस्टम इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। और भाई ये वाला जो पैनल है ना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है इसमें। अब हज़ार्ड लाइट का बटन यहाँ देखने के लिए मिल जाता है आपको, ठीक है। हज़ार्ड लाइट के साथ साथ भाई अपना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये भाई टू 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 इसलिए कर रहा है क्योंकि आगे पार्किंग सेंसर्स लगे हुए हैं, यहाँ से नेविगेशन और मैप आ जाएगा आपका, और मैप भी भाई इनबिल्ट देखने के लिए मिल जाता है। मेन चीज़ क्या है भाई, अगर मैं इसका होम पे जाऊँगा, ठीक है, देखो मैं इसमें होम में आ गया, जियो सावन खुद का इनबिल्ट है इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही है भाई और मस्त फीचर है एकदम से, ठीक है। और अगर यहाँ बात करोगे तो भाई अपना मेन इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। टेम्परेचर भाई दोनों साइड का अलग अलग आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ राइट साइड का अलग से कर सकते हो और यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड का अलग से कर सकते हो, मतलब ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल दो पेट्रोल में 6 स्पीड का गेयरबॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा भाई। अपनी दोनों जो सीटें वो वेंटिलेटेड देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ से अपना पार्किंग ब्रेक ऑन करोगे तो 360° कैमरा इसमें ओपन हो जाएगा, जो कि काफ़ी सही देखने के लिए मिल जाता है। और भाई इसकी जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी सही है, और ऊपर नीचे से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर बात करोगे तो रियर में आप कैसा देखना चाहते हो, मतलब कितना वाइड देखना चाहते हो, कितना किस तरीके से देखना चाहते हो, तो वो आपको दिख जाएगा। ये रियर के टायर का भी वो आ गया दोनों का, ठीक है भाई। काफ़ी सही सिस्टम है, मेरे को तो पर्सनली तौर पर भाई मस्त लगा। और यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पूरी गाड़ी आप ऐसे भी देख सकते हो भाई, प्रॉपर 360°। और इसकी जो क्वालिटी है ना भाई स्क्रीन की, वो भी सही है, बिल्कुल इजीली आपकी स्क्रीन जो है इसमें मूव कर रही है, मतलब ऐसा नहीं है कोई भी हार्ड टच है या नॉर्मल टच है, नॉर्मल बढ़िया तरीके से चल रही है अपनी। यहाँ पे इस बार इन्होंने ध्यान दिया है, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी फ़ोन वगैरह रखोगे ना तो यहाँ पे आपका फ़ोन गिरेगा नहीं, टिक जाएगा भाई फ़ोन, क्योंकि ये ना रबड़ का देखने के लिए मिल जाता है आपको। और ये वाला पैनल काफ़ी सही देखने के लिए मिलता है। ऑल द पियानो ब्लैक कलर का फिनिश इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी, काफ़ी सही। ऑटो होल्ड और अपना पार्किंग ब्रेक जो है इलेक्ट्रिकली देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। आर्म रेस्ट की बात करो तो यहाँ पे अपना हार्ड देखने के लिए मिलेगा, मतलब ये तो सही है, लेकिन ओपनिंग जो है वो थोड़ी सी हार्ड देखने के लिए मिल जाएगी। ब्रोस का प्रीमियम म्यूजिक सेटअप, ब्लू लिंक का फीचर देखने को मिल जाएगा, ऑटोमेटिक अपना IRVM देखने के लिए मिल जाएगा। एडास है तो भाई यहाँ पे एडास के सेंसर वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। सनग्लास होल्डर यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ सनरूफ की बात करोगे तो ऐसा कुछ आपको सनरूफ देखने के लिए मिल जाएगा। लाइट यहाँ से ऑन करोगे तो ये सारी लाइट हो जाएंगी साइड वाली, जैसे ये वाला बटन दबाया तो ये दोनों हो गई और वो पीछे वाले भी हो गई ऑन। इसे पीछे करना चाहोगे भाई ये पीछे भी हो जाएगी, ये देखो पूरी खुल गई नहीं है, मस्त देने सी, इसे कहते हैं पैनोरामिक सनरूफ। बंद करोगे पूरी बंद हो जाएगी, मस्त दाने से पूरा खुल जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा। यहाँ पे अपना टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है, ठीक है भाई। मेरे को तो पर्सनल तौर पे गाड़ी जो है ना वो काफ़ी बढ़िया लगी। आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है भाई, और बेल आइकन ऑन कर देना है, दोनों कर देना फटाफट से, क्योंकि 5GB की वीडियो भी जल्दी आने वाली है। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेक केयर एंड बाय बाय।